नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, गंगा रियल्टी का जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है वो लाइव हो रहा है 9 तारीख को सुबह 8 बजे, ठीक है। तो और ये लास्ट डेट है 25 तारीख की। आज इस वीडियो में मैं आपको चीजें कुछ से वो क्लियर करने चाहता हूँ कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की साइट के ऊपर प्रोजेक्ट लाइव आ गया है। आपको जो रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे कि एफिडेविट है, हर इंसान को एफिडेविट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप अप्लाई करने जाओगे तो एक डॉक्यूमेंट लगता है जिसके ऊपर एफिडेविट की प्रॉपर चीजें हैं वो मेंशन की जाती है, थर्ड कैटेगरी और फोर्थ कैटेगरी के लिए। तो आज आपको मैं दिखाऊंगा कि प्रोजेक्ट के अंदर ही होती है, आपको कहीं भी मांगने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन भरने के लिए भी आपकी किसी की रिक्वायरमेंट वैसे नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके प्रति भी वीडियो हमने बना रखी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा है कि आपको प्रोजेक्ट को समझना है, प्रोजेक्ट कैसा है, किस डायरेक्शन के अंदर है, किस सेक्टर में है, किस रोड के ऊपर है, कौन कौन से रोड लगते हैं, उसकी भी हमने वीडियो बनाई हुई है, वो भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा ये है कि आपको इस प्रोजेक्ट की, वैसे भी मैंने इंटरनल जो कि डेवलपमेंट होनी है उस सेक्टर की, सेक्टर 35 की जो कनेक्टिविटी है, वो इंटरनल डेवलपमेंट भी उस वीडियो के अंदर समझाई गई। आपको बहुत सारी चीजों का वहां पे पता भी चलेगा जो गवर्नमेंट है वहां पे किस चीज से आपसे डेवलपमेंट है वो करने वाली है। अगर हम आसपास की चीजें देखें वहां पे डेवलपमेंट, तो 35 सेक्टर के सामने सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली आता है, साइड में सेक्टर 2 आता है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट डिवाइडिंग रोड पे आता है, सेक्टर 2 और सेक्टर 35 के, जो 60 मीटर वाइड रोड है। और अगर हम 2 की बात करें तो 2 में जीडी गोयनका आती है, यूनिवर्सिटी है, फिर उसके सामने सेक्टर 3 आता है जो कि के आर मंगलम यूनिवर्सिटी और जीडी गोयनका स्कूल आते हैं। ये एजुकेशन ये इस टाइम पे रनिंग है। दूसरा है कि कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड़गांव सोना एलिवेटेड कॉरिडोर जो कि रनिंग है, गुड़गांव से 15 से 20 मिनट का रास्ता रहता है, ऑन द वे आप रहते हैं। एक चीज और आती है लोगों की कि भाई वहां इस रोड के ऊपर टोल है, टोल लगेगा। ये मैं नहीं मानता कि इसकी वजह से आपको कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि टोल तो देना पड़ेगा, आप सर्विस यूज कर रहे हैं। और जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एंटर होते हैं, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगेगा आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कभी नहीं बढ़ती। अगर ये सोना रोड एलिवेटेड कॉरिडोर नहीं होता तो शायद आप सोना के अंदर ही अफोर्डेबल नहीं फील कर रहे होते, ठीक है। और उसके अंदर भी आपको ये चीजें हैं बहुत चेक करनी चाहिए कि जब आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो आपको जो टोल है, टोल के बगैर हमारी ना तो जीडीपी ग्रोथ होगी और ना ही रियल एस्टेट मार्केट कभी ऊपर होगी, क्योंकि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इसलिए रेडी किया जाता है ताकि वो जो पैसा है वो रोटेट में आए। मैं अपने गडकरी जी इतने रोड हाईवे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इससे पैसा रोटेट होता रहे अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है, वो दिक्कत ना आए। तो आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें आपको चेंज होती हुई नजर आएंगी। तो आज मैं आपको इस प्रोजेक्ट की, आपको एफिडेविट कहाँ मिलेगी, कैसे आपको अप्लाई करना है, वो तो वीडियो ऑलरेडी डली हुई है और एक वीडियो मैंने पहले डाल ली थी, वो भी आप देख लेना। और आपको मैं थोड़ा प्रोजेक्ट का और भी समझा देता हूँ, क्योंकि आज लाइव आ गया है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की साइट के ऊपर। दोस्तों, हम आ गए हैं लैपटॉप के ऊपर और हमने गूगल को ओपन कर लिया है। गूगल में हम सबसे पहले डालेंगे tcphariana.gov.in, ठीक है, हमने एंटर मार दिया। उसके बाद आपके राइट साइड में ये अप्लाई ऑनलाइन फॉर ई ड्रॉ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद जैसे ही साइट ओपन हो रही है, आपको चीजें मैं बता देता हूँ। दोस्तों देखो, मार्केट में आपको काफी चीजें सुनने को मिलती हैं कि आपको कंफर्म अलॉटमेंट करवा देंगे, ये करा देंगे, सेटिंग करा देंगे, वो करवा देंगे। इस टाइप का कोई सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। ये अगर आपको पैसे खराब करने हैं तो भाई मुझे ही दे दो, ठीक है। तो इस टाइप का कोई सेटिंग होती नहीं है दोस्तों, और ना ही इस सेटिंग के अंदर आप जाओ, पैसे मरते हैं तो आप खुद पैसे डुबवाने के काम करते हो, तो किसी को मतलब आप दोषी भी नहीं मान सकते, क्योंकि आप खुद चाहते हो कि इस टाइप का काम हो, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट है लाइव आ चुका है 19 तारीख, सॉरी 9 तारीख को सुबह 8 बजे लाइव हो जाएगा। उसके बाद है 25 तारीख को ये रात के 12 बजे है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यानी स्टार्ट है 9 तारीख को और एंड है 25 तारीख को। इससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन के अंदर जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और जैसे फिर उसके बाद अकाउंट हो जाए तो लॉगिन करके ये प्रोजेक्ट वहां ऑटोमेटिक दिख जाएगा, ठीक है। तो हम इस प्रोजेक्ट की डिटेल के बारे में समझते हैं। तो ये डिटेल ऑफ ड्रॉ, इसके ऊपर हमने जाना है। तो अब हम समझते हैं इस प्रोजेक्ट की, कब इसका ड्रॉ होना है, कब क्या करना है ना, तो उसके हिसाब से।
हाँ तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि जब तक ये साइट ओपन होती है तो ऐसी कोई ऐसी सिस्टम नहीं है जिसमें आपको जनरल ड्रॉ के अंदर जाके अगर आप कंफर्म अलॉटमेंट निकाले और कोई ऐसा बोलता है कि निकलवा देंगे 10,000 20,000 या 1-1.5 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे देके, तो इस टाइप का कोई सिस्टम नहीं होता है। तो आप समझदार हैं और समझदार को इशारा काफी होता है। इसका लाइसेंस नंबर इस प्रोजेक्ट का ये है, ठीक है, और ये CRM की मेल है। अगर आपको फ्लैट निकल जाता है और आपको कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए तो ये CRM की ये ईमेल आईडी है, ये नोट करके रख लो पहले ही अगर आपको फर्दर वो करना हो। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया इनका। उसके बाद ये प्रोजेक्ट की प्रॉपर डिटेल हो गई, ठीक है। तथास्तु 35 ये प्रोजेक्ट का नाम है, तथास्तु 35। ओके, इसमें लिखा है इफ ऑप्टिंग PMI कैटेगरी देन इट मैंडेटरी टू अपलोड PMI सर्टिफिकेट, अदरवाइज एप्लीकेशन इज लाइबली टू बी द रिजेक्टेड। अगर आपके पास PMI सर्टिफिकेट नहीं है और आपने PMAY आवास योजना के तहत प्रॉपर्टी बिल की है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। यानी PMAY आप तभी सेलेक्ट करो जब आपके पास ये सर्टिफिकेट हो, अदरवाइज नहीं है तो आप जनरल के अंदर अप्लाई करो। टोटल लैंड है 9.5, मोटा मोटा 10 ही एकड़ हो गया। ये रेरा नंबर है 108/2023, यानी 108/2023। ओके, उसके बाद है डेट ऑफ बिल्डिंग प्लान कब अप्रूवल हुआ था, इस तारीख को हुआ था। रेरा रजिस्ट्रेशन डेट इस तारीख को हुई थी। अप्लीकेशन स्टार्ट इस तारीख को है और एंड इस तारीख को है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट स्टार्ट भी और एंड डेट हो गई। प्रपोज ड्रा डेट है आपकी 20/1, यानी 20 जनवरी को ये जाके ड्रॉ है वो ओपन हो जाएगा मार्केट में आपका। जो भी है यहीं पे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की साइट के ऊपर लिस्ट डलेगी, विनर्स की भी और वेटिंग लिस्ट, वो सारी इसी साइट के ऊपर जाके डलेगी। उसके बाद ये तो होगी थी प्रोजेक्ट की कब लाइव हो रहा है, कितना एकड़ का। उसके बाद यहाँ पे ना जो ये MPU लिखा हुआ है, MPU 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 जो लेआउट है वो मैनेजमेंट कोटा के अंदर आते हैं और ये सारी की सारी मैनेजमेंट कोटा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे है, इनके अंदर ये इतने ही यूनिट है। उसके बाद 3 लेआउट हैं, ये 1, 2 एंड 3, ये आपके जनरल कोटा के अंदर आते हैं, आप फिल कर सकते हैं। कौन कौन से ये फ्लोर के ऊपर होगा जो आप वो सोचते हैं कि कौन से टावर में के अंदर ही आ सकते हैं, तो इसमें टावर प्रॉपर तरीके से दिए गए हुए हैं, ठीक है। आप ये साइट है चेक कर लेना। उसके बाद अगर हम देखें इस प्रॉपर्टी को, सबसे पहला इसी के अंदर किसी एक कॉलम के अंदर आपकी वो है जो कैटेगरी होती है आपकी एफिडेविट, ये वाली है क्योंकि इसका साइज सबसे कम साइज है तो यही मिलेगी। इसको डाउनलोड करते हैं हम और इसको ओपन करते हैं। ये कैटेगरी नंबर 4 के लिए है और ये 10 रुपए की स्टैम्प पेपर के ऊपर ये नोटराइज आपने करानी है, ठीक है। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा, फादर सन ऑफ जो भी है, फिर आपका कहाँ का एड्रेस है वो डालना है। ये 4th का आपने पहले कब प्रॉपर्टी है कौन सी ले रखी है उसके अंदर आएंगे, तो आपने वो डिटेल प्रॉपर्टी की पूरी डाल देनी है और आपने फिर ये एफिडेविट है फोटो उतार के क्लिक करके और अपना आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ प्रॉपर तरीके से आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे आएगा। ये सेकेंड कॉप्लिकेंट के लिए, अगर आप सेकेंड कॉप्लिकेंट हो तो ये दोनों डाउनलोड कर लो, प्रिंट कर लो। अगर आप फर्स्ट कॉप्लिकेंट हो तो ये एक से ही काम चल जाएगा। ये है 4th कैटेगरी के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 3rd कैटेगरी के लिए, ठीक है। ये 3rd कैटेगरी, इसमें भी 10 रुपए की स्टैम्प पेपर, इसमें सिर्फ नाम आधार एड्रेस वगैरह डालना है और आपने नोटराइज करा के इसको भी अपलोड कर देना है। ये फर्स्ट कॉप्लिकेंट है और ये सेकेंड है, ठीक है। तो ये एफिडेविट होती है, ये हर प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। जब भी प्रोजेक्ट लाइव होगा यहीं पे आपको एफिडेविट मिलेंगी। प्रोजेक्ट का लेआउट अगर हमने देखना है तो मेरे हिसाब से इसमें पाएगा क्योंकि ये साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा है। इसके अंदर प्रोजेक्ट का जो साइज है, कहाँ पे कौन सा टावर है आना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों देखो, चीजें है ना प्रॉपर तरीके से समझो, आप किसी भी प्रकार के बहकावे में मत जाओ। और आप अगर जनरल एप्लीकेशन में जाना चाहते हैं तो बेझिझक होके यहाँ पे डाल दो। और दूसरा ये है कि भाई अगर आप चाहते हो, ये साइट लेआउट आ गया, ठीक है। इस साइट लेआउट के अंदर आपको टोटल यूनिट क्या है, कौन से टावर के अंदर कितनी यूनिट है,
सब कुछ ऑनलाइन है। जब ऑनलाइन ही थे अफोर्डेबल तो कहते थे कि ऐसे होते हैं, दिक्कत आती है प्रॉपर्टी के अंदर, पता नहीं चलता। आज सब कुछ इसके ऊपर ऑनलाइन होता है तो ज्यादातर लोग इसके ऊपर जाना नहीं चाहते, कष्ट नहीं उठाना चाहते और चेक नहीं करना चाहते। ये 60 मीटर वाइड रोड से भी एंट्री है और 24 मीटर रोड से भी है, अफोर्डेबल है, भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं ये चीजें आपको समझाना चाह रहा था दोस्तों कि सारी चीजें आपके सामने अवेलेबल होती हैं और आप आराम से इसको भर सकते हैं घर पे बैठ के, एनी टाइम आप इसको फिल कर सकते हैं जिस टाइम से ये लॉगिन होगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो, हो सकता है आपको काफी चीजें यहाँ पे सीखने को भी मिली होंगी और समझ भी गए होंगे। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि मैं अफोर्डेबल में डील वैसे नहीं करता हूँ। अगर आप मार्केट में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं अफोर्डेबल में डील नहीं करता हूँ, मेरा कंसेप्ट लग्जरी का है। और दूसरी चीज ये है कि दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। थैंक यू।